सड़क निर्माण में खामी, हंगामे के बाद जिलाधिकारी को पत्र। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कस्बा थाना भवन का है, जहां सड़क निर्माण में खामी को लेकर मंदिर कमेटी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान समिति द्वारा जिलाधिकारी को शिकायती पत्र प्रसेषित कर कार्यवाही की मांग की गई। थाना भवन में स्थित मंदिर जस्सूवाला की कमेटी श्री महादेव जी जस्सूवाला समिति ने जिलाधिकारी को प्रसेषित शिकायती पत्र में बताया कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंदिर जस्सूवाला को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी सड़क भूमियाखेड़ा मंदिर से वंदना गार्डन से होते हुए मेला ग्राउंड तक डूढ़ा द्वारा बनाई जा रही है, जिसको ठेकेदार द्वारा गलत ढंग और घटिया सामग्री से बनाया जा रहा है, जिसमें बिजली के खंभे नाली के अंदर हैं वे पानी के पाइप अंडरग्राउंड सड़क में दाबे जा रहे हैं, जो कि मानक के अनुसार गलत है। नाली भी अधूरी बनी है। मामले को लेकर मौके पर पहुंचे कमेटी सदस्यों ने हंगामा करते हुए सड़क निर्माण ठीक करने की मांग की। कार्यवाही न होने पर कमेटी ने जिला अधिकारी से जांच कराकर सही मानक के अनुसार सड़क का निर्माण कराने की मांग की। संजय गर्ग, रविकांत श्रीपाल, पप्पू गर्ग, सुभाष आदि लोग मौजूद रहे। जैसे आप लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए सड़क विरोध में, क्या मामला है पूरा? है ये डूडा के द्वारा सड़क बन रही है, नालियों के बीच में खंभे आ रहे हैं, पूरी नाली में अंडरग्राउंड पाइप दबे हैं, ये टूटेगा क्या क्या होगा? क्या मानक के अनुसार नहीं बन रही? नहीं, मानक के अनुसार कुछ भी नहीं है। वैसे सड़क भी मानक के अनुसार नहीं बननी है, जो पुरानी सड़क जो कि रुपये मिट्टी डाल दी उन्होंने। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि खंभे एक साथ निकल गया, इसको लेवल में आवे, अंडरग्राउंड जो पाइप डली हुई पहले से इसमें पुलिया बने या फिर सीधा पानी निकले। इसकी शिकायत भी किया? हाँ, डीएम साहब की शिकायत रखी, नगर पंचायत ने की, हमारा कोई अधिकार नहीं इसमें डूडा के अंदर का। और उद्घाटन तो करे डूडा से नगर पंचायत वाले, अब ऐसे हमारे मतलब नहीं है, उद्घाटन के लिए पिस्ता काटते हैं सारे के सारे। सब